अंग्रेजों ने भारतवासियों पर बहुत जुर्म उठाए। पहले जमीन पर किसानों का पूरा हक था, मगर उन्हें जमीनों से अलग कर दिया गया। जमीनों पर लगान वसूली बढ़ा दी गई, इतना कर बढ़ा दिया जो भुगतान सामर्थ्य से बाहर था। औजार गिरवी रखने पर मजबूर किया जाने लगा, खेती करना असंभव बना दिया। हल नहीं चला जमीन पर, फसल नहीं पर कर देने पर मजबूर किया गया। मांगी जा रही रकम नहीं दी गई तो यातनाएं दी गई। दिन की तपती दोपहर में पांव से बांधकर उल्टा लटकाया गया, लकड़ी की पैनी चित्ते नाखूनों में घुसाई गई। कैसे बाप बेटों को एक साथ बांध कर कोड़े बरसाए गए, जिससे एक की तकलीफ से दूसरे की पीड़ा और बढ़ जाए। औरतों को कोड़े मारे जाते थे, आंखों में लाल मिर्च का चूरा बुरका दिया जाता था, गुनाहों का प्याला लबरेज हो गया, औरतों के स्तनों पर बिच्छू बांध दिए जाते थे। इन सब जुल्मों की खबरें बंगाल आर्मी के फौजियों के पास भी पहुंची। देश घर गांव के इन्हीं हालातों पर चर्चा करते हुए एक बागी सैनिक अपने साथी को बगावत में शामिल करने के लिए समझा रहा है। मरने से क्या डरना से, मरने से क्या डरना से, सारी कमाई लूट रहे, सारी कमाई लूट रहे, हिंद बाग की हरियाली में सुन खाकड़ छूट रहे, सुन खाकड़ छूट रहे, ये मस्ती चांदी कूट रहे, ओ ये मस्ती चांदी कूट रहे, इन लेजी भर के चरना से मरने से क्या डरना से, मरने से क्या डरना से, ओ करवा से मैं घुट घुट मर के।
ना माने ते राजेश पड़े लुट पेट के तने आड़ा Yeah.